Hey champs, welcome back to Math Learning Studio by Vinod Joon. We are in the video number 8 for the linear equations in two variables. Okay, so far बहुत सी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, क्या सॉल्यूशन का मीनिंग होता है, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं. लास्ट 3-4 वीडियोस में हाउ डू वी सॉल्व इक्वेशंस, हमने 3 मेथड्स पढ़े, राइट. नाउ we will discuss today some special equations. There are some equations which are special in some or the other way. Okay. So we'll learn how do we solve those equations. Okay, there are 3-4 types. We'll take one by one with an example. I hope you will love this video. And please, agar aapne abhi tak subscribe nahi kiya hai, to pehle subscribe button dabao and then move on. Okay, but a compulsion nahi hai bhai. You can watch the video. If you like it, you can subscribe it. All right. Type 1. Sometimes we may be given some equations of these types. Kuch dikh raha hai? Kya hai? Ax plus by equals to c1. Okay? Ye minus c1 equal to 0 bhi ho sakta tha. Ya plus c1 equal to 0 bhi ho sakta tha. Right? Second equation hai bx plus ay equals to c2. Ya ho sakta hai minus c2 ya plus c2 and equal to 0. Kya special dikh raha hai? जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशियंट a है वो सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशियंट बन जाता है. जो फर्स्ट में y का कोफिशियंट है वो सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशियंट बन गया, राइट. दैट इज अ स्पेशल थिंग अबाउट इट. एंड यूजुअली इन इक्वेशंस में जो ये a और b की वैल्यू होती है ना, वो स्मॉलर नंबर नहीं होते, वन डिजिट नंबर नहीं होते, वो यूजुअली टू डिजिट या थ्री डिजिट नंबर्स होते हैं. और उनको यू नो सब्स्टिट्यूट करना या उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना या फिर उनमें इक्वेटिंग कोफिशिएंट यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. डिफिकल्ट इन द सेंस ऑफ लार्जर नंबर्स. यू कैन स्टिल फॉलो दोज मेथड्स, नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर हम कुछ और काम कर लें इनके साथ तो इजी हो जाएगा इन इक्वेशंस को सॉल्व करना. और वो दूसरा काम क्या करना है, वही जो हम ग्रेड 2 से करते आ रहे हैं, इनफैक्ट ग्रेड 1 में भी किया था, एड subtract, जोड़ो घटाओ, बहुत सिंपल, राइट. सो आई हैव टेकन एन एग्जांपल हियर, 47x plus 51y is equal to 106, 51x plus 47y is equal to 90. ओके, दिख रहा है दो डिजिट नंबर है, 47, 51 को प्राइम नंबर्स है, कुछ कॉमन भी नहीं होगा उनमें, एलसीएम आ जाए इनका प्रोडक्ट. अगर आप इक्विटी कोफिशिएंट करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करोगे तब भी 51, 47, 106, 47 इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या करें, तो भैया हम करेंगे ऐड और सबट्रैक्ट. अब किसको करें ऐड सबट्रैक्ट, किसी को नहीं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड सबट्रैक्ट करना है. मतलब पहले हम इन इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं. विल राइट एडिंग 1 एंड 2. This is equation number 1, this is equation number 2. इन्हीं equations को add कर लेते हैं. Add करके क्या मिलेगा? When we add these equations, हम x की terms को add करेंगे, y की terms को add करेंगे और constants को add करेंगे, right? 47 plus 51, 98x plus 51 plus 47, still 98y is equals to 106 plus 90, 196. क्या होंगे ऐड करने से, हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आ जाती है. इसमें 98 98 x और y कोफिशिएंट्स हैं एंड इधर 196 है. ओके, क्या हम इस इक्वेशन को और सिंपल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं. हम इस इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय 98 कर सकते हैं. क्या मिलेगा, 98 से डिवाइड करेंगे तो यहां से 98 गायब x बचा, यहां से 98 गायब y बचा. 196 डिवाइड बाय 98 इज 2. तो ये इक्वेशन बन जाती है x plus y equals to 2. हम इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे. समझ आया? तुमने क्या किया, हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके थर्ड इक्वेशन ऑब्टेन कर ली जो बहुत ही सिंपल है. ओके, सेकेंड हम क्या करें भाई, इनको हमने ऐड किया था तो मैंने क्या बोला, ऐड करना है सबट्रैक्ट करना है. ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 2 को 1 से या 1 को 2 से, योर चॉइस.
कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लिखा हुआ है तो इक्वेशन टू फ्रॉम वन माइनस कर लेंगे. सो यहां सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन को, मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम वन, तो सेकेंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन चेंज, बिकॉज वो नीचे लिखा उसको माइनस करेंगे साइन चेंज होंगे. सो माइनस माइनस एंड माइनस साइन चेंज, 47 माइनस 51 क्या बचेगा माइनस 4x, 51 माइनस 47 क्या बचेगा प्लस 4 साथ में y इक्वल टू 106 माइनस 90 क्या बचेगा 16. और सिंपल हो सकती है इक्वेशन, ऑफ कोर्स हो सकती है, 4 4 एंड 16 आर द कोफिशिएंट्स, वी कैन डिवाइड बाय 4. सो दिस इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड बाय 4 एंड यहां मिल जाएगा माइनस x प्लस y is equal to 16 divided by 4 is 4. This becomes equation number 4. Okay? Equation 3 hai, x plus y equal to 2. Equation 4 hai, minus x plus y is equal to 4. Bahut hi simple equations are they. And you know what? These two equations can be said as equivalent equations for these two. Because in dono equations ke jo solution honge na, wo in dono ke solutions bhi honge. चेक कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को. ठीक है, नाउ वी कैन सी x प्लस y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 3 है, माइनस x प्लस y इक्वल टू 4 इक्वेशन 4 है. कौन सा मेथड इजीएस्ट होगा, एलिमिनेशन, दैट इज इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड. ऑलराइट, सो माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 4 को हम यहां लिख लेते हैं, माइनस x प्लस y इक्वल टू 4 इक्वेशन 3 थी, we can simply add. Simple काम है कि add कर देंगे 3 और 4 equation को, x minus x cancel, y plus y 2y, 2 plus 4 6, y is equals to 3. Good, now simple. If we now put the value of y in any of these two equations 3 or 4, we can get the value of x very easily. So we can put it there कि minus x plus 3 equals to 4, so minus x is equals to 4 minus 3 becomes 1, but x becomes equals to minus 1. So y equal to 3, x equal to minus 1. You can work out, put the values of x and y in these two equations, and you will see they are also satisfied by these two. ठीक है जी, तो ये था हमारा type 1 of special equations, जहां पर ax plus by equals to a constant, bx plus ay equal to another constant. मतलब x और y के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं दोनों इक्वेशंस में. ओके, इन द नेक्स्ट फ्रेम यू विल गेट टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस, सॉल्व देम, देन वी विल टेक टाइप 2 इक्वेशंस वेयर द इक्वेशंस आर नॉट लीनियर बट वी कैन मेक देम लीनियर. सो फर्स्ट ट्राई टू क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप एंड देन मूव ऑन. ओके,